आज मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरी फेवरेट चीज लगी है। Hey guys, very good morning. कैसे आप सभी लोग, आ गए आपके प्यार से इनको थोड़ा सा और प्यारा बनाने के लिए। और मैं अभी भी उठी हूँ, सुबह के 8 बज रहे हैं और आपको मेरे फेस से ही लगा होगा कितना सूजा सूजा हुआ है। 2 मिनट तो बस अभी मैं चाय पीऊँगी। आज है संडे तो डे इन माई लाइफ टाइप ऑफ कोई व्लॉग होगा ये, शायद लोग बनाते ही है। वैसे मेरा डे इन माई लाइफ तो थोड़ा बोरिंग है, बस ऐसे ही है। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं देखो भारतीय नारी कुर्ता वुर्ता पहन के जॉनी को ले जा रही हूँ वॉक कराने। और ये रहा जॉनी, जॉनी लो हार्नेस पीना इसको। ओए अभी हम वॉक पे जाने वाले हैं, इसको पूरी तरीके से चिपका दे, जो मेरे को बिल्कुल करने का मन नहीं करता है, पर इसके कारण मुझे वॉक करनी पड़ती है। इसी बहाने मैं पतली हो जाऊंगी। क्या हो गया? इसको पूरा चिपका। गाइस हमें ये जो कुत्ते हैं ना इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये और ये इसको देखते हैं ना, वो ये जो दिख रहा है तुम्हें ये भोंकते हैं इसको देख के, और ये देखता है तो ये ले उसको हार्नेस पिना और कैद कर लो। जॉनी 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 नो सिट सुनता ही नहीं। और हाँ नमो ये टाइट है इसलिए खुल रहा है, बात को सुन। हाँ बड़ा कंसल कर हो रहा है। गाइस देखो हमारे जॉनी के दोस्त। नो 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 बेटू हैव नहीं कर, ए मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, नो नो बेटा जॉनी नहीं, शेक एंड कर लो जॉनी, शेक एंड कर लो, चलो बस चलो। देखो गाइस लोगों के कुत्ते हैं कि समझदार, हमारा है हमारे जैसे हाइपर एक्टिव। चलो जॉनी ये क्या तरीका है घूमने का, इसको दिखा के एक से घूमते बेटा, धीरे धीरे घूमते है ना, धीरे 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 धीरे, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो जब यहाँ से बंदर निकले और ये हो गया बेचैन। जॉनी 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 मैं गुड्डू तो इतना कम चलना आता है कि इसने पूरी हार्नेस ही तोड़ दी। ये देखो पहले हम भी इसे बड़े शौक से पहना करते थे, लेकिन टाइम के साथ इसकी वैल्यू खत्म हो गई और अब ये पोछा बन गया। ऐसे ही तो बोलते हैं कि समय के साथ चीजों की कदर खत्म हो जाती है, ऐसे इंसानों के साथ होता है। माँ गाइस मेरी मम्मी मेरे पे बहुत जुल्म करती है, मुझसे पोछे लगवाती, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ। क्या नौटंकी है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ नहाने, लेकिन नए साबुन से, क्योंकि हमें पता है कि हमें नए साबुन से पहली बार नहाने की खुशी कितनी अच्छी होती है। अच्छा लगता है ना पहली बार अपन नए साबुन से नहाते हैं। कि पोछा लगवाती मम्मी ऐसे बोल के, मैंने मम्मी से बोला मम्मी जिम ज्वाइन कर लूं, तो मम्मी कल ले ये जिम और ये पोछा लगा, गाइस मेरी मम्मी मेरे बहुत अत्याचार करती है और मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अब पोछा गाइस ये बहुत अत्याचार। तो मैं नहा चुकी हूँ अब, और मैं अब तैयार होने वाली हूँ। अब मैं तैयार होके कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अब मेरे को तैयार होना है। तो चलो अब साथ में तैयार होते हैं, मतलब मस्त चीज़ करने वाले हैं हम कुछ। तो चलो पहले रेडी हो जाती हूँ एंड आई विल शो यू। 2 मिनट लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये दूसरे दिन क्यों, ये क्या है, ये तेरता क्यों रहता है आँखों के नीचे यार। क्या सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लेती हूँ एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जो करने वाले हैं मेरे बाल को स्ट्रेट करने वाले।
यार हेयर्स मैंने स्ट्रेट कर लिए, ये पीछे से अगर आप देख सकते हो तो इतने कर लिए, अब इतने और करने पर मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ उस बात करूँगी, और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो हमने मंगाया बाहर से पोहे जलेबी, जो अब हम खाने वाले हैं। पोहे जलेबी खा लो फ्रेंड्स। इस तो मैंने मेकअप कर लिया, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मैं देखो धूप में ऐसे जाऊँगी तो मैं कम गोरी लगूंगी, ऐसे जाऊँगी तो मैं ज़्यादा गोरी लगूंगी। और मेरी बात सुनो, पता है मैंने मतलब मेकअप कर लिया है और मैं लग तो सुंदर ही होंगी। और मैं बताऊँ, बता कोई डिस्टर्ब करके रखते हो यार, दो मिनट भी कोई नो सेंस। और मैं बताती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं पहनने वाली हूँ ये साड़ी, नहीं मैं आपको पहन के बताऊंगी मैं क्या पहनने वाली हूँ, फिर आप मुझे देखना और बताना कैसी लगी, ठीक है? शिक लगाना बचा है तो अभी रुको। मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहनी है बहुत ही प्यारी सी साड़ी, आप दिख रही हो पीछे से, फिर बोलना मेरे को दिखाती है, ठीक है? तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने बहुत ज्यादा सुंदर सी साड़ी पहनी। अब मैं कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको वहीं जाके बताऊंगी, तो चले चलते हैं। तो मैं इतना तैयार होके गई थी ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ पे मैंने पहनी 10 लाख और उससे ज़्यादा की भी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, एंड दिस वाज द प्लेस। और देखो यहाँ मैं बैठ के डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। एंड जस्ट किडिंग गाइस, मेरा ज्वेलरी का शूट था एंड मैं वही पोजेस एंड ऑल दे रही हूँ, कुछ क्लिप्स होगी मेरे पास तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। एंड दिस वाज मी, बताओ मैं कैसी लग रही थी। एंड दिस वाज सम ऑफ द पीसेस। तो मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई, मतलब 3-3.5 घंटे हो गए मुझे शूट पे आने, आके मैंने जस्ट चाय पी है और बताओ मैं आपको सुंदर लग रही थी या नहीं। मुझे तो मैं बहुत अच्छी लगी और शूट भी बहुत अच्छा हुआ और बस। गाइस तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं रेडी होके एक्चुअली आज संडे तो मैं नाई छम्बे तो मंदिर जाती हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली मैं कहाँ गई थी और मैंने कहाँ पे क्या किया। और मैंने जॉनी से मिल लो मुझे गुत्ती मैं गई थी एक्चुअली, मेरा आज था शूट, ज्वेलरी का शूट था, ज्वेलरी शॉप थी बहुत अच्छी, तो बस वहीं पे मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज ट्राई करी थी और वहीं मैंने आपके साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स शेयर करे होंगे, आप देख सकते हो। और किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, बस वो वहीं की साड़ी थी। एंड उसको देखो चूल्हे को। और बस अभी हम मंदिर जाने वाले हैं मैं और मेरी मम्मी, तो मैं रेडी भी हो गई हूँ, तो चलो फिर चलते हैं। ओके जॉनी, बाय 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 बाय। कहाँ की? बाय जॉनी, बाय जॉनी, जॉनी सिट 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 नो। हमारा जो जॉनी है ना, इसको हम कहीं भी जाओ तो ऐसे ही इसको जिद्दी मचती है, देखो अब मम्मी से जिद्दी करेगा। जॉनी बाय जॉनी, चल नो। तो गाइस मैंने चश्मा लगा के मैं हीरोइन बन चुकी हूँ थोड़ी सी, ताकि मैं सुंदर लगूँ। अब गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है? गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी लगाई, स्टार्ट कर दी। देखो हम यहाँ खड़े हैं और हमारा जॉनी दिखाती हूँ, अगर मैं जूम करूँगी तुम्हें दिखेगा, ये रहा देखो, ये रहा ये रहा। गाइस हम पहले प्रसाद ले लेते हैं फिर हम मंदिर चलेंगे। तुम सोच रहे होगे कि ये गई थी लेकिन ये वापस घर में ही मुझे क्यों मिली, तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं, आज मेरे साथ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये फ़ोन मेरा आईफोन है पर ये इतना पुराना हो चुका है, इतना ज़्यादा रद्दी हो चुका है कि कभी भी बंद हो जाता है, और मेरे साथ एक अलग ही प्रॉब्लम होने लग गई है। इस स्क्रीन को चौड़ा होने का बहुत शौक है, ये स्क्रीन मेरी चलती रहती है और एकदम से लॉक स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे पासवर्ड में 9 डिजिट की जगह सिर्फ 1 दिखता होता है मुझे, और वो छोटी नहीं होती। मतलब इस फ़ोन को फिर आधे घंटे का रेस्ट दो, उसके बाद ये फिर नॉर्मल इसकी साइज़ में आती है। तो ये मेरे साथ हो गया और मैं जैसे ही यहाँ से निकली और मैं मंदिर पहुँची, मतलब आज इतना अच्छा व्लॉग बनता ना मेरा अगर ये फ़ोन ने मेरा साथ दिया होता, तो मैंने इस फ़ोन ने मेरा साथ दिया होता तो इतना अच्छा व्लॉग बनता। हम मंदिर गए, वहाँ इतने प्यारे और इतने छोटे छोटे पपीज थे, बड़ी क्यूट क्यूट से, और मैंने उनको खिलाया, उनको बिस्किट्स खिलाए, वो सो क्यूट। फिर मैं हम आए, मतलब बहुत इंजॉय करा, बहुत ही अच्छा, वहाँ पे बंदर भी थे छोटे छोटे से, मतलब बहुत अच्छा व्लॉग बनता। बट अब ठीक है, भगवान चाहते थे कि मैं सिर्फ उनमें ध्यान लगाऊँ शायद, या पता नहीं क्या, और मेरा कहीं ध्यान ना जाता। अब ठीक है, जो हो गया हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं इसलिए आपको डायरेक्ट ही घर पे मिल रही हूँ, तो
एडजस्ट कर लेना यार। सो आई एम बैक होम और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, अगर घर में आप कुछ भी मेकअप करते हो ना तो ये होती है आपकी हालत, मतलब ये पूरी हालत हो जाती है मेकअप करने में। अब इसको सवेरने में सब करने में इतना आ गिर गई और इसको करने में इतनी देर लग जाएगी, तो बस अब वही करूँगी मैं बैठ के। एंड ठीक है गाइस, मैं मिठाई कर रही हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट मिठाई है। ये मावे की बनी होती है लेकिन ये प्योर दूध की बनी रहती है, बहुत टेस्ट करती है। क्या क्या बोल रहा, चॉकलेट बहुत ज़्यादा नहीं बचा? कैसी है टेस्ट में बता दो, कैसी है कैसी है कैसी है? हद ही कर रहा नाटक, बता ना कहाँ क्या लेने गया था, क्या लेने गया था? ये पहले आएगा है, ये पहले आएगा। एक और दो थी मेरी, मैंने 10 रुपए दिए थे मेरे, और 10 का क्या लाया, और 5 का वो उधार दिए थे, यूं बोलना कि उधार दिए थे। गाइस तो देखो मैं यम स्टिक्स खाऊंगी, मेरा फेवरेट है। एक तो ये मुझे बहुत पसंद है, और एक जो क्रंच एक्स आता है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। अब इसको देख लो मंगते को, वो खाना है इसको। जॉनी ले सिट हो जाओ पहले, जॉनी सिट इसको सिट करा दो, शेकिंग करो सिट। मेरी फेवरेट चीज़ लगी है जिसको बोलते हैं सेल। तो हमारे घर के पास में एक दुकान है, वहाँ पे ना सेल लग रही है, तो वो हमें जींस देंगे 500 की दो। तो मेरे पास मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, तो मैं जाके देख लेती हूँ, बस घर के बहुत पास में दुकान है, अगर मुझे मिल रही होगी अच्छी जींस तो क्या पड़ाइए 500 की दो जींस लेने में, ऐसे ही काम आ जाएगी। तो हम वहाँ पर जाके एक बार देख के आ रहे हैं, खुली होगी तो आपको बताऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। डिस्काउंट की जींस का डिस्काउंट की जींस, अच्छा ये रही। खाली 3 जींस ही है बची, बस खत्म हो गई, नहीं जम रही, 3 ही बची, नहीं 3 ही थी, 3 ही थी ना, तो फिर 3 में यहाँ पर डाल दिया। वो बोल रहे कि बिना ऑफर 3 में सेम बहुत सारे पीसे थे। अच्छा इनके तो साइज तो ही नहीं थे ना आपकी, यहाँ कितने सारे टॉयज है, मुझे एक दिला दो कोई प्लीज, 90 रुपए में ड्यूटी। पागल मम्मी को इतना खुश कोई नहीं कर सकता जितना की सस्ता सामान, ऐसे ही हो जाती है बाबली सस्ता सब। यार मैं 50 रुपीज में इतनी सुंदर हील्स लेके आई हूँ वहाँ से, मतलब मेरे को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। ये वैसे तो इसका रियल प्राइस 3,000-3,500 होगा, कैटवॉक की है ये हील्स, लेकिन मैं इसको लाई हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में, क्योंकि जो बिल्कुल थोड़ा सा पुराना माल हो जाता है इनको, 3-4 साल पुराना हो जाता है, तो वो वाले ये ऐसे कम में दे देते। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, हल्का सा वायर निकला हुआ है साइड में, हल्का सा स्ट्रिप निकली हुई है, लेकिन इसको मैं बताऊँ मेरे को ऐसी चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं इसलिए नहीं लाई कि सस्ती थी, मैं इसलिए कि मैं इसके साथ कुछ नया क्या कर सकती हूँ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 50 में क्या ही जाता है ना, ऐसे ही खा लेते। तो अब मैं सोचूंगी इसको थोड़ा और सुंदर या और अच्छा मैं कैसे कर सकूंगी, इसमें मैं शॉर्ट्स भी हुआ था अपलोड करूंगी, सो स्टे ट्यून। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। ये पूरा सवेरा अवेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी, इसको साफ करना है, मुझे वीडियो एडिट करनी है, एक मैंने बनाई थी, ओ गॉड, तब मैं कैसे करूँगी।